इस देश को आखिर हुआ क्या, कहीं धुआं तो कहीं आग, कहीं पर्यावरण की खुशबू तो कहीं सिगरेट की बदबू। इस प्रदूषण ने कई अपनों को अपनों से अलग कर दिया। आइए सुनते हैं एक प्रदूषण से पीड़ित मरीज की आप बीती। मेरा नाम मुकेश है। अम्मी जान ने कहा था 2017 में सांस मत लेना, अगर मुझसे गलती हो गई, मुझे पूरा भरोसा है ये डॉक्टर मेरी जान बचा ले। अफसोस, मुकेश बच नहीं सका। आखिर कब तक ऐसा चलता, कभी तो इसका अंत होना ही था। और फिर एक दिन बाबा और बाला हर एक दरवाजे में दस्तक देकर अपने खत्म जली प्रोडक्ट्स का प्रचार कर रहे थे। कई लोगों ने तो उनका विरोध भी किया। मगर कुछ ग्राहकों को खुशी खुशी वो खत्म जली प्रोडक्ट्स अपनाना पड़ा। इन्हीं सबके बीच प्रदूषण से पीड़ित एक लौंडा मर रहा था। इतना सब कुछ देखकर बाबा आमदेव ने प्रदूषण का खात्मा करने का निर्णय लिया। प्रदूषण का खात्मा करने के लिए बाबा आमदेव और बाला कई वर्षों तक समुद्रों की यात्रा की है। और 7 समुद्रों को पार करने के बाद अनेक जगहों में जा जाकर यज्ञ भी किया। इतने वर्षों की तपस्या और यज्ञ का परिणाम तो मिलना ही था। और आखिरकार बाबा अपने तपस्या में सफल हुए। हमने 1700 मरीजों के घर घर जाकर ये पता लगाया है कि उनकी घरवालियां कंटाप हैं, मगर उन 1700 मरीजों की प्रदूषण के कारण फट के चार हो गई है। इसलिए हमने प्रदूषण मुक्त शहर बनाने के लिए 1700 सालों तक कड़ी तपस्या करके बनाया है खत्म जली प्राण मुक्ति ऑक्सीजन मास्क। ये मास्क आपकी सांस लेने की क्षमता को 1700% तक बढ़ा देता है। इसको पहनिए और अकबका जाइए। खत्म जली प्राण मुक्ति ऑक्सीजन मास्क अपनाएं और खत्म हो जाएं। उस लौंडे का क्या होना था, बाबा आमदेव ने स्वयं उसके घर जाकर उसकी जान बचा ली। बाबा आमदेव ने सिर्फ उसकी जान ही नहीं बचाई, उसे पूरा का पूरा तंदुरुस्त ही कर दिया। Bonk.